खूबसूरत सी सुबह हो चुकी है और हम जा रहे हैं ट्रेल फाइंडिंग पर। यह है अम्बेडकर सर्किल, रात का बहुत शानदार सा पूरा शहर पुलिंदा था और अब चले अपने मंदिर पर। सुबह सुबह की ट्रेन ऐसा सुबह का आनंद अलग ही है।22307 हावड़ा बीकानेर ट्राई वीकली एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये चलते चलते हावड़ा आ ही गई। हमने बहुत तेज प्रयास किया जल्दी निकलने का, घर से निकल गए थे हम 4:45 बजे, फिर भी ट्रेन तो आ ही गई। अब दो ट्रेन और एक 12495 और दूसरी ट्रेन है 22408 हम सफ़र और एक प्रताप एक्सप्रेस और हम सफ़र दो रह गए हैं, इनको और कैप्चर करते हैं। सुप्रभात। ट्रेन 22408 त्रिशुरापल्ली से लेकर श्रीगंगानगर तक चलने वाली मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेन हम सफर एक्सप्रेस 22408 त्रिशुरापल्ली से बीकानेर की ओर आने वाली हम सफर एक्सप्रेस को आज जो लोको लेके आ रहा है वह भारतीय लोकोमोटिव श्रेणी का WAP4 सीरीज का है और इसके नंबर हैं WAP4 22303 बटवा का डीजल लोको है और इसको एरावत नाम दिया हुआ है। एरावत हाथियों का राजा और देवता इंद्र के लिए का मुख्य वाहन हुआ करता था जो समुद्र मंथन में निकलने वाले 14 रत्न में से एक था, उसी के नाम पर इसको नामित किया हुआ है। शानदार लोको है और इसके हॉर्स पावर 5000 है। 5000 मैक्सिमम स्पीड इसकी 140 की स्पीड रहती है। नमस्ते दोस्तों, हम मरुस्थल में हैं और आप संडे का दिन है। संडे के दिन स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कई सुपर फास्ट एक्सप्रेस इन टीलों में से निकलती हैं और ये टीले बहुत ही खूबसूरत हैं। पहले मैंने दिखाया था बरसात से पहले, इसका हाल कितना भयानक भीषण था, एक भी पौधा जीवित नहीं था और अब देखिए कितने पौधों में हरियाली आ गई। सब पौधे एकदम अपना चिरकालिक जीवन और बल्कि कहूँ कि यौवन पे आए हुए हैं और जल्दी जल्दी अपना जीवन काल ये पूरा करेंगे। फूल
कितने पौधों में हरियाली आ गई, सब पौधे एकदम चिरकालिक जीवन और बल्कि कहूँ कि यौवन पे आए हुए हैं, पर जल्दी जल्दी अपना जीवन काल ये पूरा करेंगे, फूल वगैरह निकल रहे और ये खिलकर पल्लवित होकर अपनी जीवन यात्रा शुरू कर दी है। और जब तक बरसात का मौसम रहेगा ये अपनी क्रिया पूरी कर लेंगे, फल बना देंगे और उसके बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चलेगी बाद में ये सुप्तावस्था में हाइबरनेशन में चले जाएंगे। तो दोस्तों आज हम गाड़ी दिखाएंगे आपको 12498 हम सफ़र एक्सप्रेस, दूसरी 12496 प्रताप एक्सप्रेस, तीसरी 22307 हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस और एक 12467। ये चारों ट्रेनें कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। सुबह सुबह का समय है, सारी ट्रेनें सुबह ही निकलती हैं, 6 बजे के करीब करीब सब निकल जाती हैं, तो इसलिए घर से 4-4:30 बजे निकलना पड़ता है, अंधेरे अंधेरे, मगर हाँ ठीक है, मौसम बहुत खूबसूरत है, अच्छा प्रकृति से आनंदित अवसर मिलता है मिलने का, तो उससे भी जी प्रसन्न होता है। सुबह उठने में एक बार जरूर दिक्कत आती है थोड़ी, बाकी ठीक है। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ प्रभात दोस्तों, सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, थैंक यू। यह है 12467 बीकानेर जयपुर लीलन एक्सप्रेस, चलती है जयपुर। लीलन एक्सप्रेस 12467 और अब आ रही है 12495 प्रताप एक्सप्रेस, जो कोलकाता से चलकर बीकानेर आती है, वीकली ट्रेन है, केवल संडे को आती है और थर्सडे को बीकानेर से चलती है 5-6 बजे। डीजल लोको से आ रही है, WDP 4D। कितना भीषण डेजर्ट था जहाँ आने में डर लगा करता था, इतनी गर्मी थी, 50 डिग्री जहाँ चलता था उस समय। सिर्फ एक महीने पहले का ये वीडियो है, 14707 रणकपुर एक्सप्रेस निकल रही है और ये इसकी गर्मी, और जब बेहद तपन में हमने ये वीडियो बनाया था। ये इलाका वाकई ताप से और दूसरों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। पानी जो हम लाते थे वह उबल जाया करता था, तो उसे ही काम चलाते थे और ये सारे पौधे जो हाइबरनेशन से जगने वाले थे वो इस रेगिस्तान में प्रकृति की
मदर नेचर की मेहरबानी से, मदर नेचर की कृपा से कैसे इनमें जान आती है, और अगर मदर नेचर हमसे रूठ जाए तो प्रलय भी कर देती है। यही तो प्रकृति है और यही भगवान है जिसे हम मानते हैं। और ये देखिए कैसी विकट हरियाली हुई है, अभी एक ही दो बरसात हुई है। यही वो डेजर्ट का टीला है जहाँ से हमने इसको वीडियो को बनाया था। ये देखिए हरियाली यहाँ से चालू हो रही है। अभी थोड़े दिनों में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जब यहाँ से एकदम घनी हरियाली तो आच्छादित हो जाएगी। गाय वगैरह पशुधन जितने हैं उनको अपने चरने में बहुत आनंद आ रहा है। और देखिए दोस्तों यही वो लोको है WAP 422 393 बटवा का, जिसका नाम एरावत है। ये जैसे भी 22498 के साथ बीकानेर आया था और आते ही इसको शंट करने की ड्यूटी दे दी गई है। अब ये शंट करके 22307 हावड़ा के रेक को बीकानेर ईस्ट की ओर ले जा रहा है। तो हमने चलते चलते हमने सोचा इसी का वीडियो फिर से बना लें। बहुत ही रॉयल लग रहा है, बहुत गर्मा में मैं धीरे धीरे जा रहा है। कहाँ इसकी 140 की स्पीड है। और ये पूना से लेकर 22498 को बीकानेर तक लाया था। आते ही बिना रेस्ट किए दो रात की जर्नी के बाद ये वापस अपने अपने काम में चल पड़ा है। तो आशा करता हूँ मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर अपने कीमती कमेंट से मुझे लाभान्वित करें। आपने हमारा वीडियो देखा, अपना कीमती समय निकाला और हमें प्रदान किया, उसके लिए हम आपके मैं आपका दिल से बहुत आभारी और अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय। वेलकम सर।